हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो अपना बहुत बहुत खास है क्योंकि ये आपकी ही डिमांड पे बनाया गया है वीडियो। आपने मेरे को मैसेज बहुत सारे किए कि हमें और लर्न नहीं होते मेटलर्जी के, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे डाल दिए, बट और कैसे लर्न करें ये मोस्टली स्टूडेंट्स का बहुत डाउट है। और ये सिर्फ आपका ही नहीं है, हर साल बच्चों का बहुत प्रॉब्लम। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट का ये कॉमन डाउट है कि और के नाम लर्न नहीं होते हैं, और लर्न नहीं होते हैं। और जेईई मेन में भी पूछ लिया जाता है, नीट के पेपर में भी पूछा जाता है, इवन सिविल सर्विसेज में भी ये पूछा जाता है। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। और आज की डेट में मार्केट में एक सिंगल बुक ऐसी नहीं है जो कि सारे ओर्स एक जगह स्टूडेंट्स को बता सके। अगर हैं भी तो वो मेटल्स के एक दो ओर ही बताते हैं, बाकी के ओर्स नहीं बताते हैं। तो आज का अपना वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये कंटेंट, ये डेटा आपको ना YouTube पे मिलने वाला है, ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, ना किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, और ना ही किसी बुक में मिलने वाला है। इवन NCERT में भी दो या तीन ही ओर दिए गए हैं, कुछ के दो तीन दिए गए, कुछ के दिए ही नहीं गए, कुछ का एक ही दिया गया है। तो आज का वीडियो अपना बहुत ही खास है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आज के अपने वीडियो में हम हर मेटल के कम से कम चार ओर लर्न करने वाले हैं, उनका नाम और उनके फॉर्मूले और ट्रिक के थ्रू लर्न करने वाले हैं कि कैसे हम ओर के नाम याद कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको डे वन ही प्रॉमिस किया था, यहां यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इजी कैंप, जहां पर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट कहीं नहीं होगा, जो कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं दे रहा होगा आपको, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे सिंपल वे में केमिस्ट्री को सीखना है, कैसे केमिस्ट्री को लर्न करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक है ओर्स ऑफ कॉपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो ओर्स ऑफ कॉपर। ओके, तो कॉपर के ओर कैसे लर्न किए जाए, चलिए देखते हैं। तो ओर्स ऑफ कॉपर आप मेरे साथ हेडिंग डाल लेंगे। ओर्स ऑफ कॉपर में देखिए क्या है, जैसे पहला है रूबी कॉपर। रूबी कॉपर, अब ये रूबी कॉपर को ही, इसी का नाम है, रूबी कॉपर को ही बोलते हैं क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, और इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। ओके, Cu2O, आप थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, Cu2O, रूबी कॉपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एज्यूराइट। एज्यूराइट, इसका फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, तो एज्यूराइट का फॉर्मूला होता है 2CuCO3 .CuOH का होल ट्वाइस। ओके, थर्ड नंबर पे आता है मैलाचाइट। मैलाचाइट, इसमें 2 हटा दीजिए और जो बच गया वो लिख दीजिए, तो CuCO3 .CuOH का होल ट्वाइस। स्टूडेंट्स एक बात और इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, जैसे 2CuCO3 लिखा है, इसका मतलब ये 2 सिर्फ इसी के लिए है, 2Cu, 2 कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन, उसके लिए नहीं। डॉट लगने के बाद जो आया उसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। ओके, ये खैर सिंपल सी बात भी है, आपको आती भी होगी, और अगर नहीं आती है तो अभी सीख लीजिए, सीखने की कोई एज नहीं है, सीखने का कोई टाइम नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है ना। तो चलिए मैलाचाइट के बाद चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, चैल्कोपायराइट। चैल्कोपायराइट, चैल्कोपायराइट को कॉपर पायराइट भी कहते हैं, चैल्कोपायराइट को ही हम कॉपर पायराइट भी कहते हैं। और ये कॉपर का मेन ओर है, चीफ ओर, जो मेन ओर होते हैं उनको बोलते हैं चीफ ओर। तो यहां पर चीफ ओर पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसी तरह से, तो ये हमारा क्या है, मेन ओर, चीफ ओर, चैल्कोपायराइट। चैल्कोपायराइट का फॉर्मूला होता है
CuFeH2, CuFeH2 चैल्कोपायरेट। और लास्ट है कॉपर ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स। ये क्या होता है? ये होता है कॉपर का सल्फाइड, Cu2S, कॉपर ग्लैंड्स। तो सबसे पहले तो आप ये नाम और ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक के थ्रू कैसे आप याद करेंगे ओर के नेम। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या है फिर मैं आपको बताता हूं। ये मेन ओर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओर यही है, सबसे ज्यादा कॉपर का परसेंटेज अपने इंडिया में यही पाया जाता है। तो चैल्कोपायराइट से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे तो ये सभी ओर है, ओर का मतलब ही होता है ऐसा मिनरल जिसमें जो कि इकोनॉमिकली चीपर हो और फेवरेबल हो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चीफ ओर ऑफ कॉपर है कॉपर पायराइट, CuFeH2। ओके, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, CuFeH2। तो पहला वाला है कॉपर, रूबी कॉपर, क्यूपराइट, Cu2O। दूसरा वाला है एजुराइट, 2 मोल्स ऑफ CuCO3 डॉट CuOH पूरे टाइप्स। तीसरा है मैलाचाइट, मैलाचाइट का फॉर्मूला क्या है? CuCO3 डॉट CuOH पूरे टाइप्स। देखिए लर्न करना भी बहुत आसान है, बस 2 हटा देना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं चैल्कोपायराइट, मेन ओर है CuFeH2, और लास्ट है कॉपर ग्लैंड्स। ओके, तो ये Cu2S कॉपर का सल्फाइड, यहां तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, तो ये कॉपर के टोटल कितने हो गए? 5 हो, है ना। इसमें लास्ट वाला कॉपर ग्लैंड्स को चैल्कोसाइट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, चैल्कोसाइट, चैल्कोसाइट भी बोलते हैं कॉपर के सल्फाइड। तो देखिए इसका लर्निंग ट्रिक क्या होगा, हमारे पास ओर टोटल 5 है, रूबी कॉपर जिसे क्यूपराइट कहते हैं, एजुराइट, मैलाचाइट, चैल्कोपायराइट जिसे कॉपर पायराइट भी कहते हैं, कॉपर ग्लैंड्स जिसे चैल्कोसाइट भी कहते हैं। ओके, तो फॉर्मूले तो मैंने आपको बता ही दिए, अब आप लर्निंग ट्रिक भी समझ लीजिए। लर्निंग ट्रिक, तो इसकी लर्निंग ट्रिक है रूबी आज मेले चल चल, थोड़ा सा अजीब है। अब देखिए रूबी यानी रूबी कॉपर, ओके, आज का मतलब एजुराइट, मेले का मतलब मैलाचाइट, चल पहले वाले चल का मतलब चैल्कोपायराइट और दूसरे वाले चल का मतलब है चैल्कोसाइट, चैल्कोसाइट मतलब कॉपर ग्लैंड्स यानी कि Cu2S कॉपर सल्फाइड, और पहले वाले चल का मतलब क्या है? CuFeH2, ओके, कॉपर पायराइट। दिस इज द मेन ओर ऑफ कॉपर, चीफ ओर ऑफ कॉपर। ओके, तो इसकी ट्रिक लिख लेंगे, हिंदी में भी लिख लेंगे, आप भी लिखते जाइएगा, रूबी आज मेले चल चल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नोट कर लेंगे, रूबी आज मेले चल चल। तो देखिए रूबी का मतलब रूबी कॉपर, आज का मतलब एजुराइट, मेले का मतलब मैलाचाइट, पहले वाले चल का मतलब चैल्कोपायराइट, चैल्कोपायराइट, और फिर से जो चल लिखा है उसका मतलब चैल्कोसाइट, ये वाला कॉपर सल्फाइड यानी कॉपर ग्लैंड्स, चैल्कोसाइट। तो ये था लर्निंग ट्रिक ऑफ कॉपर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, तो चलते हैं अब अगले मेटल की तरफ। नेक्स्ट मेटल के ओर अपने को सीखने हैं सिल्वर, तो हेडिंग डाल लेंगे आप मेरे साथ साथ, ओर्स ऑफ सिल्वर। तो ओर्स ऑफ सिल्वर में देखिए, तो ओर्स ऑफ सिल्वर में कैसे याद करना है आपको, तो इसके ओर पहले मैं लिख देता हूं उनके फॉर्मूले और फिर से ट्रिक देखते हैं। पहला है अर्जेंटाइट, दूसरा है प्यारार्जिराइट, इसको भी रूबी सिल्वर कहते हैं, प्यारार्जिराइट। ओके, थर्ड है हॉर्न सिल्वर, और फोर्थ है गैलिना। इनके फॉर्मूले क्या होंगे? तो देखिए इसमें अर्जेंटाइट का फॉर्मूला होगा Ag2S, सिल्वर का सल्फाइड है। ओके, और अर्जेंटाइट इज द मेन ओर ऑफ सिल्वर,
तो सिल्वर का मेन ओर चीफ ओर कौन सा है? चीप नहीं बोल रहा हूं, चीफ बोल रहा हूं, मुख्य। तो चीफ ओर ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटाइन। ओके, हालांकि चीफ ओर कंट्री टू कंट्री वैरी भी करता है, प्लेस टू प्लेस। जहां पर ज्यादा परसेंटेज पाई जा रही है, इकोनॉमिकली चीपर है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, वो उसका चीफ ओर बन जाएगा। ओके, प्यारार्जी राइट, प्यारार्जी राइट का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्यारार्जी राइट का फॉर्मूला है, तो प्यारार्जी राइट का फॉर्मूला है Ag3SbS3, जिसे रूबी सिल्वर भी कहते हैं। ठीक, इसी तरीके का हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला हो जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड को ही बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। और गैलिना का फॉर्मूला होता है PbS। अब आपको लगा होगा इसमें तो Ag है नहीं PbS में, बट इसमें भी एज अ इंप्यूरिटी सिल्वर की सफिशियंट परसेंटेज पाई जाती है, इसलिए ये भी गैलिना भी क्या हो जाएगा, ये लेड का तो मेन ओर है, साथ ही साथ ये सिल्वर का भी ओर है। ओके, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर नोट करके लिख भी लीजिएगा, इन गैलिना PbS Ag इज प्रेजेंट एज एन इंप्यूरिटी। ओके, तो यहां पर भी अर्जेंटी फेरस लेड बोलते हैं, तो अर्जेंटी फेरस लेड से सिल्वर ऑब्टेन कर लेंगे, तो वो इसी तरीके से किया जाता है, गैलिना से यूज करते हैं। तो सिल्वर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, आपको लगेगा लेड का ओर है लेकिन ये सिल्वर का भी ओर है। अब ये मल्टी करेक्ट में भी डाला जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी लर्निंग ट्रिक लिख लेते हैं। इसको कैसे लर्न करेंगे आप, तो लर्निंग ट्रिक क्या है चलिए देखते हैं। तो लर्निंग ट्रिक है, अर्जेंट प्यार हो गया, अर्जेंट प्यार हो गया, अर्जेंट अर्जेंटाइट, प्यार का मतलब प्यार अर्जी राइट, हो का मतलब हॉर्न सिल्वर, और गया का मतलब गैलिना, अर्जेंट प्यार हो गया। ओके, तो आप भी लिख लेंगे हिंदी में, अर्जेंट प्यार हो गया। ओके, तो अर्जेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, प्यार का मतलब प्यारार्जी राइट, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में प्यार का मतलब क्या होता है, प्यारार्जी राइट, हो का मतलब हॉर्न सिल्वर, और गया का मतलब पटना वाला गया नहीं, गया का मतलब गैलिना। ओके, नोट कर लेंगे इसको, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ओर्स ऑफ आयरन। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ओर्स ऑफ आयरन। ओके, हेडिंग डाल देंगे ओर्स ऑफ आयरन। अब देखिए इसमें आयरन के ओर में कौन कौन से हैं, तो पहला है हेमेटाइट, बहुत ही पॉपुलर है हेमेटाइट, दूसरा है लिमोनाइट, ये लिमोनाइट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही आपको बताया जितने ओर के फॉर्मूले और नाम मैं यहां लिखवा रहा हूं इस वीडियो में आपको, इतने आपको किसी किताब में किसी वीडियो चैनल में नहीं मिलेगा, चैलेंज है। हाँ, इसके बाद कॉपी करके इसी का कॉपी लोग बनाने लग जाए तो उसको नहीं कह सकता हूं मैं। लिमोनाइट, नेक्स्ट है आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट, फोर्थ है मैग्नेटाइट, और फिफ्थ है साइडराइट, साइडराइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट और साइडराइट। ओके, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, और हेमेटाइट अपने इंडिया में मेन ओर है, चीफ ओर है, तो ये हेमेटाइट हमारा कैसा हो जाएगा, चीफ ओर। बट परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो आयरन का परसेंटेज सबसे ज्यादा पाया जाता है मैग्नेटाइट में, सबसे ज्यादा परसेंटेज, ठीक है, तो यहां आप लिख लीजिएगा मैक्सिमम परसेंटेज, इनमें से मैक्सिमम परसेंटेज पाया जाता है मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है
Fe3O4 मैंगनी टाइप फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 फेरस और फेरिक का मिक्सचर है ओके। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या है तो लिमोनाइट का फॉर्मूला लिखेंगे FeOOH.NH2O FeOOH.NH2O ओके लिमोनाइट का फॉर्मूला है इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। और आयरन पाइलाइट FeH2 FeH2 को बोलते हैं आयरन पाइलाइट और साइड्राइट का फॉर्मूला है FeCO3 ओके ये साइड्राइट। तो हेमेटाइट Fe2O3 लिमोनाइट FeO.OH.NH2 आयरन पाइराइट FeH2 मैग्नेटाइट जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है आयरन का वो है Fe3O4 और साइड्राइट FeCO3 ओके। इंडिया में कम पाया जाता है मैग्नेटाइट हमारे यहां सबसे ज्यादा हेमेटाइट मिलता है इसलिए जितना भी आयरन का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं वो सब हेमेटाइट से करते हैं ओके। फॉर्मूले नोट कर लेंगे अब वो बता देता हूं जिसके लिए आप वीडियो सबसे ज्यादा देख रहे हैं। तो लर्निंग ट्रिक क्या है इसको याद करने का लर्निंग ट्रिक आपके घर वालों का दर्द है। अब ये कैसे तो देखिए आपके घर वालों का दर्द क्या है आप पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो ज्यादा और ये लॉकडाउन के टाइम पे आपने पढ़ना लिखना और कम कर दिया है तो यही दर्द मैं बयान कर रहा हूं। तो इसका लर्निंग ट्रिक है हाय लल्ला इतना मत सताओ। हाय का मतलब हेमेटाइट लल्ला का मतलब हो गया लिमोनाइट इसको आप लल्ला में समझ लीजिएगा लिमोनाइट। इतना मतलब आयरन पाइराइट इतना मत का मतलब मैग्नेटाइट और सताओ का मतलब साइड्राइट ओके। तो इसको आप लिख भी लीजिए तो आप भी नोट कर लीजिए हाय का मतलब क्या हो गया हेमेटाइट लल्ला आपको बोला जा रहा है लल्ला तो क्या हो गया इसका नाम लिमोनाइट। इतना आयरन पाइराइट मत इसको आप मग की तरह याद रखना तो मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट और सताओ का मतलब साइड्राइट सताओ का मतलब साइड्राइट ओके। हाय लल्ला इतना मत सताओ। तो उम्मीद है आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है कि डिफिकल्ट चीज है लर्न करने वाली इसको आसानी से कैसे सीखा जा रहा है। इसी तरह से पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए सफलता जरूर मिले और लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस खुश रहने की आदत डालिए ओके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है इन वीडियोस को लेकर तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ओके। थैंक यू।